हो सकता है कि मैंने अच्छा ना गाया हो इसलिए मेरी आवाज हटा दी गई है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है मैंने अच्छा ना गाया हो या उनको पसंद ना आया हो। पावर स्टार पवन सिंह का कोई गाना आए और विवादों में ना छाए ऐसा हो नहीं सकता। पुदीना, जी हाँ, पुदीना 2 आ चुका है और आते ही विवाद, एक ऐसा विवाद खड़ा किया है जो लगता है काफ़ी दूर तक जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि जैसे ही इस गाने का पोस्टर रिलीज हुआ, पोस्टर पर पवन सिंह और शिल्पी राज का नाम देखकर फैंस के साथ साथ खुद अनुपमा यादव भी चौंक गई। अनुपमा यादव का कहना है, ये गाना मेरी आवाज़ में गवाया गया, मुझे ये पता नहीं था कि इसे शिल्पी राज ने भी गाया है। लगता है पावर स्टार पवन सिंह को और प्रियांशु सिंह को मेरी आवाज़ रास नहीं आई, इसलिए उन्होंने यहाँ पर शिल्पी राज की आवाज़ को रखा है। ये प्रश्न जब पूछा गया रिपोर्टर से कि भाई आपने पवन सिंह से नहीं पूछा कि क्यों आपकी आवाज़ को हटाया गया, तो यहाँ पर अनुपमा यादव ने कहा, नहीं, अगर भैया को लगा होगा कि मेरी आवाज़ सही नहीं है तो नहीं रखा गया। ये बात तो पवन सिंह और म्यूज़िक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह से पूछनी चाहिए कि उन्होंने मेरी आवाज़ क्यों नहीं वहाँ रखी और क्यों इस सॉन्ग को उन्होंने शिल्पी राज की आवाज़ में लोगों के सामने पेश किया। तो अब ये विवाद और बढ़ेगा, ये सभी को पता है। वैसे पवन सिंह और पवन सिंह के गानों का विवाद कोई नया नहीं है। आप क्या कहेंगे, कितना इंतज़ार है आपको इस गाने का, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए।